अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी नगीना सीट, सपा मुखिया को चुनौती देना पड़ा भारी। दोस्तों, नगीना सीट पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की दावेदारी को बड़ा झटका लगा। अखिलेश यादव ने पूर्व जज मनोज कुमार को नगीना से चुनावी मैदान में उतारा है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और दोस्त इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दे, क्योंकि दोस्तों हम बहुजन समाज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी रियल टीवी इन हिंदी पर लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। माना जा रहा था कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से ताल ठोक सकते। चर्चा भी थी कि सपा के समर्थन से चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस का नगीना में लोकसभा प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अब सपा ने नगीना सीट से मनोज कुमार के नाम की घोषणा कर दी। हाल ही के दिनों में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद सपा मुखिया अखिलेश यादव पर काफी तीखे हमले किए थे। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा था कि यह कह रहे हैं मेरे बिना सपा खतौली सीट भी नहीं जीत पाती। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने यह भी कह दिया था कि अगर इनका वक्त चले तो ये लोग हमें पैदा होने से भी रोक देते। इस दौरान चंद्रशेखर सपा मुखिया को लेकर काफी तल्ख और गुस्से में नजर आए थे। नगीना से अखिलेश ने इस प्रत्याशी पर लगाया दांव। दोस्तों बता दें कि भीम आर्मी चीफ ने नगीना से चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की थी। मैनपुरी लोकसभा और खतौली रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद सपा गठबंधन के साथ दिखाई दिए थे। अटकलें लगाई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को शामिल कर सकते हैं। अब अखिलेश यादव ने नगीना से मनोज कुमार को सपा का लोकसभा उम्मीदवार बनाकर चंद्रशेखर आजाद का पत्ता काट दिया है। इंडिया गठबंधन से कटा चंद्रशेखर आजाद का पत्ता। दोस्तों सपा की इस लिस्ट के मुताबिक बिजनौर से यशवीर सिंह, नगीना से मनोज कुमार चुनावी मैदान में उतरेंगे। सपा ने मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, हाथरस से जसवीर वाल्मीकि, लालगंज से दरोगा सरोज को प्रत्याशी बनाया है। एक लोकसभा सीट भदोही को टीएमसी के लिए छोड़ दिया गया है। जानकारों का कहना है कि नगीना से मनोज कुमार को लोकसभा का प्रत्याशी बनाना चौंकाने वाला फैसला है। अखिलेश यादव का फैसला चंद्रशेखर आजाद के लिए बड़ा झटका है।